हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज जो मैं फिश के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही क्यूट, एक बहुत ही छोटी सी फिश के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है पोलर ब्लू पैरेट। ये जो फिश है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फिश है, और इस फिश के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे इस फिश का टेक केयर करना चाहिए, या फिर इस छोटी सी फिश को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर इस फिश का ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं। इस फिश से रिलेटेड बहुत सारा अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं इस फिश का साइज के बारे में। ये जो फिश है ये आप जैसे देख रहे हैं ये कम्प्लीटली पैरेट फिश के स्पीसीज है, बट इसका जो साइज है वो पैरेट फिश जितना नहीं होता है। ये जो फिश है ये मैक्सिमम भी 4 to 5 inch तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 4 to 5 inch के बीच में ही इसका साइज रहता है। ये फिश बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है जब ये बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाने के बाद इसका फिन्स वगैरह देखिएगा बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, जिसके बाद ये फिश बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। क्योंकि ये फिश बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है तो आप इस फिश को बहुत ही इजीली एक 3 feet के टैंक में भी रख सकते हैं। 3 feet के टैंक में अगर आप 3-4 पोलर ब्लू पैरेट छोड़ दिएगा तो उस टैंक में वो बहुत ही इजिली रहेगी। अब बात करते हैं इस फिश का टेम्परेट के बारे में, बिहेवियर के बारे में। ये जो फिश है ये कैसा फिश है, जैसे कि मैं पहले भी बताया, ये जो फिश है बहुत ही ज्यादा प्लेफुल, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फिश है। इसको आप हमेशा देखिएगा कहीं ना कहीं खेलते हुए, चेस करते हुए, लेकिन कभी कभी ये जो फिश है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाती है। ये अग्रेसिव वो बहुत सारे चीज की वजह से हो जाती है, जैसे कि कोई फिश अगर इसको बुली करेगा तो वो सामने वाली फिश को छोड़ेगी नहीं। ये जो फिश है बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहती है। ये जो फिश है इसका अपना एक एरिया, अपना एक लैंडमार्क रहता है। इस लैंडमार्क के अंदर में अगर कोई दूसरी फिश घुसने का कोशिश करेगी तब क्या होता है, ये फिश बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। ऐसे नॉर्मली ये जो फिश है ये बहुत ही ज्यादा प्लेफुल फिश है। इसको आप हमेशा ही देखिएगा कुछ ना कुछ आप प्लांट्स वगैरह लगाइएगा, सारा प्लांट्स को इधर उधर कर देंगे। अपना जो टैंक है वो अपने ही से ही डिजाइन करती है, उसको जो चीज जहां चाहिए वो उसको वहीं बिल्ड करेगी। इसको आप हमेशा देखिएगा ग्रेवल्स को मुंह से लेके एक जगह से दूसरी जगह पिक करके लेके जाएगी। ये सब देखना, ये सब बहुत ही ज्यादा फन होता है। लेकिन वही दूसरे फिशेस के लिए कभी कभी हो सकता है ये जो फिश है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। ये तभी होता है अगर आपका जो टैंक है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। अगर आपका टैंक बहुत बड़ा है तो सारी फिशेस को अपना एक अच्छा स्पेस मिलेगा, और वो अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो फिशेस के जो बीच में फाइट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएच रेंज के बारे में। ये जो फिश होती है ये बहुत ज्यादा हार्डी होती है। अगर ये फिश आपके पास बहुत दिन तक टिक जाती है तो वो क्या होता है, वो आपके टैंक के लिए एडजस्ट हो जाती है। इस फिश को आप बहुत ही इजिली 6.5 से 7.5 का पीएच में रख सकते हैं। कभी कभी थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा में भी ये फिश रह लेती है, लेकिन जो सेफ पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 है। अब बात करते हैं इस फिश को क्या टेम्परेचर चाहिए होगा। ये जो फिश है ये टेम्परेचर के मामले में बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। अगर आपका पानी का टेम्परेचर 24 से नीचे चला जाएगा तो ऑब्वियस है इस फिश में बहुत सारे डिजीजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हाइट स्पॉट वगैरह, फिन रॉट, इस टाइप का बहुत सारा डिजीज आपके इस फिश को देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आपका टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल रहेगा, जैसे कि 27-28 इतना तक का टेम्परेचर में आपकी जो फिश है वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी। तो जो टेम्परेचर रेंज है इस फिश के लिए वो है मिनिमम 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर में ये जो फिश है बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहेगी। अब आता है टैंक मेट। जैसे कि मैं पहले भी बताया ये जो फिश है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव फिश है, इसलिए इसका जो टैंक मेट है वो भी आपको सेमी अग्रेसिव आपको लाना ही होगा। इस फिश के लिए आप पैरेट फिश को पिक कर सकते हैं, जैसे कि शेवरम हो गया, शॉर्ट बॉडी हॉर्न हो गया, आपका इरिडेशन शार्क फिश हो गया। ये सारे फिशेस के साथ आप इस फिश को बहुत ही इजिली रख सकते हैं, बस आपका टैंक साइज जो है वो बड़ा रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसका ब्रीडिंग को लेकर। इस फिश को बहुत ही इजिली ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीडिंग के लिए आपको बस एक मेल और एक फीमेल फिश को आपको अपने टैंक में डालना होगा, उसके बाद वो कम्प्लीटली बहुत ही इजिली उसमें ब्रीड कर जाएंगे। स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा सा वो लोग के बीच में फाइट होगा, थोड़ा सा अग्रेशन रहेगा दोनों फिश में, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग सही से एडजस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको जो ब्रीडिंग है वो बहुत ही सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप एक बिगिनर हैं और चाह रहे इस फिश का ब्रीडिंग के लिए, तब भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग बहुत ही इजिली इस फिश को ब्रीड कर सकते हैं। बस इस फिश का ब्रीडिंग के लिए आपको जो टैंक साइज है वो बड़ा रहना चाहिए। इस फिश में मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है
ये हमेशा आप देखिएगा आपसे कुछ ना कुछ इंटरेक्ट करेंगे, हमेशा आप जब भी आइएगा तो ये हमेशा आपको फॉलो करेगी, ये आपको हमेशा लगेगा आपसे कुछ ना कुछ बात कर रही है। इसलिए ये फिश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए भी अगर आप ये फिश को बाय करने का सोच रहे हैं और अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करूँ इस फिश को आप जरूर से बाय कीजिए, क्योंकि इस फिश के साथ जो आपको एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है फिश रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस आपका डाउट को जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब हम लोग मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।